हाइडेस्पिस का युद्ध, थ्री मार्कर में इसका पहला बिंदु होगा। 326 ईसा पूर्व में यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच लड़ी गई थी। इसे झेलम नदी का युद्ध के रूप में भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, झेलम नदी का युद्ध भी कहलाता है, लेकिन इसे यूनानी लेखकों ने हाइडेस्पिस का युद्ध कहा है। और इस युद्ध में सिकंदर विजयी हुआ और पोरस के साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया और सिकंदर का वह सहयोगी बन गया। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब पोरस से सिकंदर ने पूछा था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो पोरस ने कहा था कि वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है। और इसी साहस को देख करके सिकंदर ने उसको अपना सहयोगी बनाने का निर्णय लिया था। तो तीन बिंदु ध्यान रखने, कब हुई, किस नदी के तट पे हुई, किनके बीच हुई, कौन विजयी हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ।